केंद्रीय राखीव पोलीस दल सीआरपीएफ मधील जनरल ड्युटीचे 401 कॉन्स्टेबल आज हिंगणा नागपूर येथील सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर मधून उत्तीर्ण झाले असून त्यांना पास आउट करण्यात आलंय. जनरल ड्युटीच्या 401 कॉन्स्टेबलने 44 आठवड्यांचे बहुशिस्तीचे कठोर प्रशिक्षण त्यांनी घेतले आहे. सीआरपीएफ ही देशाची सर्वात मोठी निमलष्करी दल असून अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळत आहे. आज पासिंग आउट परेड समारंभात सीआरपीएफच्या वेस्टर्न सेक्टरचे पोलीस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता यांनी मानवंदना घेतली आणि पथसंचालनाचे निरीक्षण केले. रणदीप दत्ता यांच्या हस्ते विविध विषयात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली आहे. यावेळी त्यांनी सीआरपीएफ भारताची अखंडता राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या परेडमधून उत्तीर्ण झालेले जवान देशाच्या नक्षलग्रस्त भागात तसेच संवेदनशील असणाऱ्या जम्मू काश्मीर तसंच ईशान्य भारतात तैनात केले जातात असेही सांगितलं. यावेळी नवीन उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांना सिंक्रोनाइज ड्रिल आणि मार्शल आर्ट्सच्या प्रात्यक्षिकांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. यावेळेला सीआरपीएफ अधिकारी देखील मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. यावेळी जवानांच्या परिवारातील सदस्य देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बहुत हमेशा ऐसा योगदान रहा है और ये जो 401 आए हैं, मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है आज की डेट में सीआरपीएफ में पूरी जगह, उसमें से सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया लोग. और इतनी गर्मी के बावजूद, और आपने देखा होगा कि देखिए इतनी आंधी तूफान आई रात को, किला गिरा, उठाया, फिर किया, ये सब लड़कों का योगदान है. इतनी गर्मी के बाद ये जो ग्रीन देख रहे हैं, इसी से आपको लगता होगा कि मेहनती और बढ़िया इतने अच्छे ढंग से जो ट्रेनिंग दी गई है, और आपने इनका परेड देखी, मार्च पास्ट देखा इन लोगों का, और आज आप परिवार वालों को जो देख रहे हैं, कितने परिवार वाले हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सब महाराष्ट्र वाले हैं. हर परिवार से 5-5, 10-10 सदस्य आए हैं जो ये 400 हैं. तो चार अगर 5 के हिसाब से भी लगाए 2000 के करीब तो परिवार के सदस्य आ रखे हैं. मैं प्रशांत जमोलकर, सुभाष, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को संभाला, इतने हफ्ते की ट्रेनिंग दी है, इनका भी बहुत बड़ा, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे महाराष्ट्र के लड़कों को ट्रेन किया है जो सीआरपीएफ में शामिल हो गए हैं. अब ये पूरे देश में नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में, आपके J&K में, नॉर्थ ईस्ट में ये अपना योगदान देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे. सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम सीआरपीएफ हमेशा ही देश की अखंडता प्रभुता को बनाए रखा है, और हम देश की आज़ादी के लिए शुरू से 1939 से लेकर आज तक, अगर सीआरपीएफ का आप देखेंगे इतिहास, कि हमने हमेशा ही देश के लिए अच्छा कार्य किया है, और आगे भी जैसे भी भारत सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा, हम अपनी निष्ठा, सेवा, भक्ति के साथ कार्य करते रहेंगे. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.